पार्टिसिपेंट्स में अगर मैं उनमें अमंग होता हूँ तो मैं मतलब प्राइज़ क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि आपको देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपको चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने को मिलेगी। बिनाई के इसरो के लिए सिलेक्शन केवल स्कूल के लिए नहीं, मुझे लगता है कि तलवाड़ा और पंजाब के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमें शुरू में लगा था कि ऐसे ही होगा, मेरी कहाँ सिलेक्शन हो रही है इतने बच्चों के अमंग में। फिर बाद में जब मम्मा ने मेरे को बताया तो मेरे को अपने आप विश्वास नहीं हो रहा, मतलब मेरी जो एड़ी थी वो ज़मीन के ऊपर नहीं लग रही थी। सर मैंने अपना एम रखा है कि मैं पहले देश में IAS ऑफिसर बनूंगा और बाद में देश का प्रेजिडेंट बनूंगा। 7 सितंबर नूं चंद्रयान दी लैंडिंग लई भारत दे अलग अलग राज्यां विचों 43 होनहार विद्यार्थियां दी चोण होण तों बाद इस लाइव इवेंट नूं प्रधानमंत्री नाल चंद्रयान 2 दी लैंडिंग देखण दा मौका मिलिया। उधर ही होशियारपुर दे 2 बच्चियां नूं भी इस प्रोग्राम विच शामिल होण दा मौका मिल रहा है। उत्थे इस मौके तों बाद बच्चियां दे परिवारक मैंबरां अते स्कूल विच खुशी दा माहौल बणिया होया है। सबसे पहले की कंपटीशन की तैयारी को लेकर आपके दिमाग में क्या था और आज जो इस कंपटीशन में आपका चयन हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब ये कंपटीशन शुरू होना था 20 अगस्त से शुरू हुआ था और पहले मतलब 10 अगस्त को था और 20 अगस्त तक चला था, फिर बाद में उन्होंने एक्सटेंड कर दी डेट 25 तक। तो 10 अगस्त से 2-3 दिन पहले फिर अखबार में आया कि ऐसे ऐसे एक कॉम्पिटिशन है, तो हमारे स्कूल में एक कॉम्पिटिटिव काउंसिल जैसे चाय जी ने बताया, उसके जो कन्वीनर है कमल दी, उन्होंने मेरे को बताया बनाया कि ऐसे ऐसे एक कॉम्पिटिशन है, तो उसमें पक्का मतलब अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूरी करना, कोई बात नहीं। मैंने फिर पूछा मैम अगर 2 पार्टिसिपेंट्स में अगर मैं उनमें अमंग होता हूँ तो मैं मतलब प्राइज़ क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि आपको देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपको चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने को मिलेगी, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। और जब चयन हुआ उसके बाद कैसा महसूस हुआ, परिवार में कैसी खुशी? जब मेरा चयन हुआ तो मम्मा का फ़ोन आया और मैं उस वक्त सो रहा था, तो मम्मा आए बोलते विनायक तेरी सिलेक्शन हो गई है। मैंने बोला मम्मा मेरे को जगाने के लिए क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरे को पता नहीं हुई है। तो अब हमें शुरू में लगा था कि ऐसे ही होगा, मेरी कहाँ सिलेक्शन हो रही है इतने बच्चों के अमंग में। फिर बाद में जब मम्मा ने मेरे को बताया तो मेरे को अपने आप विश्वास नहीं हो रहा, मतलब मेरी जो एड़ी थी वो ज़मीन के ऊपर नहीं लग रही थी। आगे का बात की जाए तो सबसे बड़ी आगे की तैयारी क्या होगी आपके लिए? सर मैंने अपना एम रखा है कि मैं पहले देश में IAS ऑफिसर बनूंगा और बाद में देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। विनायक की उपलब्धि में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा क्योंकि माता होने के नाते आपने परिवार समय दिया, उसको लेकर आप क्या सोचते? सर जैसे मैं इसको गाइडलाइन देती हूँ उसको मानता है और उसको समझदारी से करता है, और सबसे अच्छा यही है कि स्कूल वालों से जो हम इसको संस्कार मिलते हैं, हमारे पास तो रहता ही ये स्कूल से जो संस्कार मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चलता है कि मैंने आगे जाके क्या बनना है, मेरे को टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए, तो उसी के हिसाब से चलने के कारण ये इस उपलब्धि को इसने हासिल किया। इस उपलब्धि को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे इसने बताया कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा, तो मेरा शुरू से ये टारगेट रहा है कि ये मेरा ही बेटा नहीं है, ये अपने देश के लिए कुछ करे और देश का नाम आगे बढ़े। बिनाई की इसरो के लिए सिलेक्शन केवल स्कूल के लिए नहीं, मुझे लगता है कि तलवाड़ा और पंजाब के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि इस उम्र के अंदर इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और बहुत बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि जब बच्चा ऐसे स्थानों पर पहुंचता है जाता है तो फिर उसका टेम्पर भी उसके मुताबिक बनता है, और उस टेम्परामेंट के कारण से उसका करियर भी एक दिशा पकड़ लेता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी कि जिनकी ऐसी सोच है कि बच्चे को किस आयु से किस लेवल के लिए कैसे तैयार करना है, ये एक बहुत बड़ा स्कूल की उपलब्धि भी है, टीचर्स की भी और ख़ासकर पेरेंट्स की भी, जो कि एक बच्चे के लिए इतनी मेहनत और ऐसा विचार रखते हैं। जब कंपटीशन का समय था तो उस वक्त स्कूल की तरफ से कैसी तैयारियां थी? और कंपटीशन के लिए हमने स्कूल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ऑटोनोमी इन एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन,
ये दो ऐसे काम है जिनके कारण से बच्चा तैयारी बड़ी अच्छी तरह से कर लेता है। हमने सारे स्कूल को कुछ काउंसिल्स के अंदर बांटा है और बच्चे उस काउंसिल के मुताबिक काम करते हैं, और उसमें से एक काउंसिल है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन काउंसिल। कोई भी ऐसा टेस्ट आता है, कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, तो वो काउंसिल उसका अध्ययन करके बच्चों को वो सारा प्रोजेक्ट दे देते हैं और बच्चों को गाइड करके उस ढंग से फिर बच्चे उसकी तैयारी करते हैं। उसी का रिजल्ट ये स्पेस क्यूज में विनायक की उपलब्धि रहा है। पता चला है कि विनायक सरकार स्कूल का बेटा सेलेक्ट हुआ है, मोदी ने बुलाया उसको चंद्रयान की लैंडिंग की जो 7 सितंबर को हो रही है, तो उनके माँ बाप को विनायक को जिस स्कूल में पढ़ा है, सरकार स्कूल विद्या मंदिर में पढ़ा है, बटवाड़े में पढ़ा है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनकी कृपा से, उनके एफर्ट से हमारे समाज का, हमारे तवाड़ा शहर का बच्चा उसमें सेलेक्ट हुआ है मोदी ने पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। होशियारपुर तो गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल सच, ज्योतिषिक विद्या एक साइंस। एस्ट्रोलॉजर सरदार हरदीप सिंह दा सारी दुनिया ले खुला चैलेंज कि तुसी जिंदगी दी किसी भी समस्या तो परेशान हो, कि थोड़े ब्याज हो रही है देरी, कि तुसी संतान सुख तो वांझे हो, कि थानू मन चाया प्यार नहीं मिल रहा, कि तुसी लगाना चाहते हो लॉटरी दा सही नंबर, कि थानू नौकरी नहीं मिल रही, कि थोड़ा वीजा नहीं लग रहा, कि तुसी विदेश च पक्का होना चाहते हो, तन दी कमी बीमारी तो परेशान, घर बैठे बिठाए ही कीता जावेगा थोड़ी सारी समस्यावां दा समाधान। फीस कम होने तो बाद इन्हां सारी समस्यावां दे पक्के हल लई एक बार जरूर मिलो एस्ट्रोलॉजर सरदार हरदीप सिंह जी नूं, जो करदे ने मुफ्त सेवा मुफ्त समाधान।